हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी अपडेट में। दोस्तों, आज मैं फ्रेंड इस वीडियो में बात करें आपसे जो शेयर मार्केट जो 3 सितंबर यानी मंगलवार को जो फ्रेंड गिरावट हुआ मार्केट में, वो आखिर क्यों हुआ फ्रेंड, आखिर क्या वजह थी कि शेयर बाजार में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली, जहाँ इन्वेस्टर्स का लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। तो आखिर क्या वजह, क्यों ऐसा हुआ कि ये मार्केट में गिरावट देखने को मिला शेयर बाजार में। फ्रेंड आगे बढ़ने से पहले, अगर अपने इस यूट्यूब चैनल अभी अपडेट पे नए हैं तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन फ्रेंड प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए हमेशा बिजनेस के रिगार्डिंग, करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिगार्डिंग वीडियोस इस चैनल अभी अपडेट पे आपको मिलती रहती है। फ्रेंड बात करें आपसे सीधे पहले कि आखिर क्यों, क्या वजह और क्या होगा आज 4 सितंबर को भी शेयर बाजार में। फ्रेंड तो फ्रेंड बात करें पहले आपसे कि 3 सितंबर को क्या वजह था कि शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिला। फ्रेंड सबसे बड़ी जो न्यूज़ है, सबसे बड़ा जो फैक्टर था शेयर बाजार के गिरावट का, वो था फ्रेंड ट्रेड वॉर। जी हाँ, चाइना और अमेरिका में चल रहा ट्रेड वॉर इतना बढ़ गया है, दोनों जो कंट्री हैं एक दूसरे पे ट्रैफिक वॉर, मतलब बहुत तरह का, मतलब कि तरह का फ्रेंड कहिए तो ट्रेड वॉर चल रहा है, उनके बीच में व्यापार का युद्ध चल रहा है अमेरिका और चाइना के बीच में, जिससे पूरा विश्व इस समय फ्रेंड अफेक्ट हो चुका है। और ये सबसे बड़ा असर था कल शेयर बाजार के गिरावट का फ्रेंड, जो ट्रेड वॉर चल रहा है अमेरिका और चाइना के बीच फ्रेंड। फ्रेंड इसके अलावा आपसे हम बात करें जो दूसरी सबसे बड़ी वजह, जो सबसे बड़ा चीज़ देखने को मिला, वो था बैंकों का विलय। हमने देखा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बैंकों का विलय कर दिया। हमने एक वीडियो फ्रेंड बनाया था कि किस बैंक, कौन सा बैंक किस में जाके विलय हुआ। अगर आपने फ्रेंड उस वीडियो को नहीं देखा है ना, जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, चेक जरूर करिएगा कि वो कौन कौन से बैंक किस में विलय हुए, आखिर ऐसा क्यों किया गया और इसके होने की वजह से क्या था, क्या होगा, क्या हमें सब कुछ हम लोगों ने देखा था अपने इस वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, चेक जरूर करिएगा। तो फ्रेंड बैंकों का विलय भी इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आया, और इस वजह से भी इन्वेस्टर्स का जो पैसा है ना, वो शेयर मार्केट में फ्रेंड डूब गया है। जी हाँ, तो ये दो सबसे बड़ी वजह, ट्रेड वॉर चल रहा है अमेरिका चाइना, दूसरा बैंकों का विलय, दोनों बहुत बड़े फैक्टर जिनकी वजह से शेयर बाजार में गिरावट देखने को फ्रेंड मिला है कल यानी 3 सितंबर यानी मंगलवार को। फ्रेंड आपसे हम बात करें आपसे कि आज 4 सितंबर को क्या हो सकता है शेयर बाजार में, तो फ्रेंड 4 सितंबर को भी जो असर था ट्रेड वॉर का, बैंकों का, आज भी देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ फ्रेंड, आज भी जो सेंसेक्स और निफ्टी हैं, आज भी अपने शेयर बाजार में कुछ गिरावट देखने को फ्रेंड इनके बीच में मिल सकती है। फ्रेंड तो फ्रेंड छोटी सी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमने एक पहले वीडियो और अपलोड किया था जहाँ हमने देखा था कि कौन सा बैंक सेंसेक्स कितना गिरा, निफ्टी कितना गिरा और कितने पे बंद हुआ, हमने देख लिए पहले वीडियो में, अगर मैंने देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिख दिया, चेक जरूर करिएगा। फ्रेंड और ऐसे अपडेट्स के लिए अपने चैनल अभी अपडेट सब्सक्राइब करिएगा, कोई डाउट होगा मैं तो कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करने के बाद फ्रेंड वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। फ्रेंड फिर मिलते हैं साथ अगले वीडियो में, जाने से पहले फ्रेंड जय हिंद जय भारत दोस्तों।